मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। दोस्तों, आज मैं आपको चॉकलेट मार्क्स बनाना सिखाऊंगी। इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी। साथ ही साथ ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपको एक्ने की शिकायत रहती है या एजिंग की वजह से आप परेशान हैं, तो आप बस इसको एक बार जरूर ट्राई करें। तो बिना टाइम जाया के स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले ओट्स लेने हैं। 3 चम्मच ओट्स को ब्लेंडर में डालकर पीस लें और पाउडर बना लें। ये देखिए, मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब आपने एक बाउल में 2 चम्मच हनी लेना है। हनी आपने अच्छी ब्रांड का यूज करना है। इसके बाद आपने 2 चम्मच कोको पाउडर डालना है। ये आपको सुपर स्टोर से बासानी मिल जाएगा। इसके बाद 3 चम्मच मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे। कच्चा दूध हम इसमें यूज करेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच मक्खन डालेंगे, लेकिन आपने मक्खन पिघला कर डालना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैं पिघला कर ही यूज कर रही हूँ। इसके बाद आपने 3 चम्मच ओटमील पाउडर डालना है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाकर मेरी हौसला अफजाई कर दें। ये देखें दोस्तों, ये तैयार हो चुका है। अब इस चॉकलेट मास्क को आपने अपने फेस पर किसी क्लीन ब्रश या अपनी उंगलियों की मदद से लगा लेना है। लेकिन आपने इस मास्क को बनाते के साथ ही अपने फेस पर लगा लेना है। ऐसा ना हो कि बनाकर छोड़ दिया, फिर कामकाज में लग गए और थोड़ी देर बाद लगाया तो ये काम नहीं करेगा। इसे लगाने के बाद हल्का हल्का मसाज करें, फिर 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर सादे पानी से अपना चेहरा धो लें। इसे आप हफ्ते में 2 दफा लगा सकते हैं। इसके अमेजिंग रिजल्ट देखकर आप इसे लगाना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की चॉकलेट मार्क्स रेमेडी? अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चलिए, अब इजाजत दें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।